जनता ट्रिपिंग, पावर कट, कम वोल्टेज, पावर शॉर्टेज जैसी समस्याओं से गुजर रही है। पर मैं पूछना चाहूंगा, क्या यह समस्या एक दिन या एक रात में उत्पन्न हुई? जो खुद की जिम्मेदारियों से 5 साल भागते रहे, वो आज हमसे 5 महीने का हिसाब मांग रहे। आज के परिदृश्य में मुझे एक कहावत याद आती है कि बैरी नेत बुलाया कर भाया सुरोस, हाथा कीजे कामड़ और कीने दीजे दोष। राजस्थान की जनता को यह भी पता लगना चाहिए कि जिस समस्या से वो गुजर रहे हैं, उसका सही कसूरवार पूर्ववर्ती सरकार के अंदर सत्ता के 2 केंद्रों की लड़ाई थी। आपने जिस प्रकार से लूट की छूट दी, उसी के कारण राजस्थान की जनता का आपने सपना व उम्मीदों पर बहुत ही बड़ा कुठारघात करा। मैं उस जिले उस क्षेत्र से आता हूँ जिसने विगत सरकार में लगातार 5 साल ऊर्जा मंत्रालय संभाला, जिनसे खुद का जिला नहीं संभाला गया, खुद का गृह क्षेत्र नहीं संभाला गया, वह आज पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। बीकानेर जिले में एकमात्र 400 केवी का जीएसएस 2019 से ओवरलोड चल रहा था, यहाँ 630 एमवी का ट्रांसफार्मर पर 900 का लोड है। बड़े नए ट्रांसफार्मर बनने के लिए 6 महीने लगते हैं और उसके ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन और चार्जिंग के अंदर 6 महीने अतिरिक्त लगते हैं, तकरीबन 12 से 15 महीने का टाइम लगता है। 2019 से हमें लगातार 500 एमवी का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता थी, परंतु आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऊर्जा मंत्री जी का कि जिन्होंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जून 2024 के अंदर नए 500 एमवी ट्रांसफार्मर के परचेज ऑर्डर निकाला है। इससे निश्चित रूप से पूरे बीकानेर संभाग जिले को एक राहत मिलेगी। इसी प्रकार से मैंने अभी हाल ही में सर्वे कराया, एक बज्जो एन सर्कल के अंदर 8,000 से अधिक 12 मासी ढाणी आज भी अंधेरे के अंदर रह रही है। मेरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर 12,000 ऐसे परिवार हैं जो आज भी अंधेरे में रह रहे हैं। भारत पाक सीमा पर हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर इस रेगिस्तान की भीषण गर्मी में बिना पानी बिना बिजली के वो लोग जी टिकाए बैठे हैं। जब केंद्र सरकार की आरडीएस योजना आई, जब उनको एक उम्मीद बंधी कि कोई तो हमारी सुध लेगा, परंतु जैसे जैसे काम चालू हुआ, सर्वे चालू हुए, धरातल पर काम चालू हुआ, आप सभी ने ऐसा पक्षपात करा कि चलते कार्य के अंदर पात्र घरों को छोड़ के खुद के खास खास आदमियों की आपने लोगों के लाइट लगाई, और जो वास्तविक आदमी वहां पर परेशान हो रहा था वो आज भी परेशान हो रहे। आप ये देखिए हमारा क्या कसूर था, 77 साल बाद भी हम उड़ी करें कि आप सब हमारा ध्यान देंगे। मैं उम्मीद करता हूं इसी प्रकार से सौभाग्य योजना के अंदर केंद्र सरकार ने कांग्रेस सरकार को 2021-22 के अंदर तकरीबन 358 करोड़ का फंड दिया, उसके अंदर से बीकानेर जिले को तकरीबन 93 करोड़ का फंड मिला। परंतु देखिए 6 महीने तक डिस्कॉम फाइल दबाती रही, उन्होंने टेंडर नहीं करे। जब देखा कि आखिरी 1 महीना बचा है, तुरंत प्रभाव से टेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो फंड लैप्स होएगा, ओड़वा हमको मिलेगा, तो आनंद फानंद में उन्होंने टेंडर करा। उसका नतीजा यह निकला कि ना आप वहां पर काम करा पाए, ना आपके पास सामान की उपलब्धता हुई, ना ही ठेकेदारों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। उस कारण से ये तकरीबन 358 करोड़ रुपए भी लैप्स हुआ। मैं उम्मीद करूंगा इस नए आधुनिक भारत के अंदर, मोदी जी के सरकार के अंदर, भजनलाल जी सरकार के अंदर, हम आरडीएसएस योजना के तहत जो भी ढाणी वंचित है उसमें कांग्रेस बीजेपी छोड़ते हुए जो भी पात्र ढाणी है उनका नए सर्वे कराए, और जो अंधकार में आज रह रहे हैं उनके घर में अपन रोशनी लेकर आए। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि धरातल पर कोई भी काम नहीं करा गया। हम ये देखते हैं कि थोथी घोषणाओं का एक अंबार लगा दिया गया, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई धरातल पर काम नहीं करा गया। हमारे क्षेत्र में 4 जीएसएस मौखिक रूप से आपने घोषित कर दिए, पर आज तारीख तक बिल्कुल भी काम नहीं करा गया। मैं हुकुम एक लास्ट में बस एक सुझाव दे रहा हूँ लास्ट में। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में आंधी तूफान चलते हैं, उससे हमारे जितने भी पोल, बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा इस सदन में हो रही है।